हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 एनएमटीसी का चैप्टर ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल इज ऑफ लेंथ 8 एंड द पेरीमीटर इज 32। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। सो एक आइसोसेलस ट्राइंगल पे एक एल्टीट्यूड है जिसका लेंथ है 8। इसे नेम कर देते हैं ए बी सी। और इस पॉइंट को जो जहाँ पर एल्टीट्यूड आ रहा है वो डी। नाउ ये एक आइसोसेलस ट्राइंगल हो गया, पेरीमीटर इसे हम लोग एक्स मान लेते हैं दोनों साइड्स को, और ये पूरा जो साइड है इसे बी मान लेते हैं क्योंकि वो उस ट्राइंगल का बेस है। सो वन बाई पेरीमीटर होगा तीनों साइड्स का सम। सो 2x प्लस बी, और पेरीमीटर गिवन है 32। सो 32 माइनस 2x इक्वल टू बी। बी आ जाएगा 32 माइनस 2x। बी आया है 32 माइनस 2x, और ये जो है एटीट्यूड वो इन दोनों साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये एक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 32 माइनस 2x का पूरा का आधा। सो 16 ये एक्स। सो बी डी और डी सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी विच इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स। अब पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है क्योंकि ये 90 डिग्री है। एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक्स ये वाला साइड है, इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस है 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे इसमें, तो 16 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 इंटू एक्स। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 टू 232, सो 32x। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 32x इधर आ जाएगा, तो प्लस 32x। 32x इज इक्वल टू 64 प्लस 256 320। एक्स इक्वल टू 320 बाई 32 10। तो एक्स आ गया 10, ये 10 हो गया। फिर बी डी जो है वो 16 माइनस एक्स के बराबर है, हमें चाहिए बी। बी इज इक्वल टू 32 माइनस 2x, 32 माइनस एक्स आया 10। सो 2 इंटू 10 इक्वल टू बी। तो 32 माइनस 20 इक्वल टू बी, 12 इज इक्वल टू बी। हमें फाइंड करना है इसका एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है 1 बाई 2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आ गया 12 इंटू हाइट है 8। सो 2 6 जा 12, 6 8 जा 48। सो 48 इज आवर आंसर। So thanks for watching, and if you like this video then don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.